फर्स्ट एवर अल्टीमेट सेट फ्लेम रेथ सेट, भाई ये जब सेट आया था क्या ही बवाल था, और अभी आज तक जितने भी अल्टीमेट सेट्स आए हैं उन सब में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट अल्टीमेट सेट्स में से एक होने वाला है, और आज हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं गेम प्ले में। और भाई गेम प्ले में जो बंदे जो फाइट होगी और एंड में जो खतरनाक कच्चे फाड़ लड़ाई होने वाली, देख के आप लोग भाई पागल होने वाले हो। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लो ऑल पे सेट हो। भैया गेम खत्म, लैग इतना, भाई गोलियां नहीं चल रही, इतना भयंकर लैग हो रहा गेम। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बंदे नॉक किए और हमारे ऊपर ही भाई पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी हुई थी। अब जैसे मैं इधर आया मेरी गन ही नहीं निकल रही। अब यहाँ पे भाई स्पाइडरमॉन और मैं बस बचे, स्पाइडरमॉन भी गया, अब मैं बचा, एचपी देखो मेरी। एंड लो भाई खेल खत्म। यहाँ पे भाई जो ही गंदा गेम चल रहा था, गन से गोलियां नहीं निकल रही, मतलब भाई लिटरली। उसके बाद हम लोग वहां से मर मुर के सिर्फ दो किल लेके ही नीचे उतरे, और यहाँ पे नीचे आके हम लोग ये जगह पे ओपन करते हैं भाई सीक्रेट अपनी केव। और यहाँ पे जैसे केव के अंदर जाते हैं यहाँ पे एक पूरी की पूरी स्क्वाड के साथ एक आधी स्क्वाड मतलब डेढ़ स्क्वाड आ जाती है, रश कर देती है और ऊपर उनकी फाइट चल रही होती है। और फिर उसके बाद देखो क्या होता है सीन। यहाँ पे हम लूट रहे थे, ऊपर गाड़ी आ गई, हो गई बंदों की फाइट आपस में। हम यहाँ पे जल्दी जल्दी लूटने में लगे हुए हैं, लूट वगैरह करके हम लोग इधर बाहर की साइड टनल के निकल के जा रहे थे, लेकिन भैया ये बंदे टनल के एज पे बैठ गए। मैंने बोला कि यहाँ पर से एग्जिट करते हैं, अगर स्कूल या फिर आसपास वाले इलाके में हमको ये बाहर से फेंका तो हम डायरेक्ट इन पे रस कर देंगे गाड़ी लेके। लेकिन भाई किस्मत इतनी फूटी थी, फेंका भी कहाँ, जॉर्जो पुल। अब यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके निकले, सामने एक डासिया स्पॉट हुई, डेंजर अहेड। अभी भी भाई लैग इतना गंदा है, एक बंदा नॉक किया गाड़ी से और अब यहाँ पे जो फाइट सीन होने वाला है मजा आ जाएगा आप लोग को, मैं लिख के दे रहा हूँ। बस देखो इस बंदे को नॉक करके इस पे रस करने के लिए हम लोग आए, इसको मारने के लिए, लूटने के लिए, और यहाँ पे अब इसकी पूरी की पूरी स्क्वाड आने वाली है। पीछे बंदे, सामने बंदे, मैंने यहाँ पे भाई मैं समझ गया पीस जाएंगे हम लोग। मैंने अपने टीममेट्स को बोला पीछे की साइड निकलो, मैं यहाँ रोटेशन देख के आया, पूरा गेम चिपक रहा है भाई। पीछे आया बग्गी आ गई, डेंजर अहेड। उधर विक्की नॉक हो गया, भाई पूरी की पूरी स्क्वाड खत्म। लेकिन एक और बंदा आ गया हिल पे दूसरी स्क्वाड का, यहाँ पे विक्की ने कॉल किया, बॉट है भाई, बॉट अंकल हमेशा क्लच करने के लिए आते ही हैं। तो भाई ये वाला स्क्वाड वाइप के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है, और फिर बॉट अंकल से भी बचाया अपने टीममेट्स को। और यहाँ पे जैसे स्क्वाड वाइप करी उधर हिल की साइड अलग ही भाई फाइट सीन चल रहा था। तो यहाँ पे आया मैं विक्की को रिवाइव देने के लिए, उसकी एचपी एकदम से लो थी, तो यहाँ पे विक्की को मैंने रिवाइव दिया और शहजादी को किसी ने पैन कर दिया भाई। और पीछे के साइड यहाँ पे एक बंदा जंप करते हुए आया भाई, यहाँ पे तो गोटे मुंह में आ गए थे जैसे ही जंप करते हुए आया। मैं कहा भाई अभी ये दोनों एक एक एचपी में हैं और यहाँ पे इसने निपटाया, ग्रेनेड से पूरा खेल खत्म हो जाएगा। फिलहाल ये उस भाई से बात बात करी, सब्सक्राइबर थे अपने, और उसके बाद उनको यही अपनी डासिया दी एंड निकल के आ गए हम लोग पोचिंकी के साइड। और यहाँ पोचिंकी रिकॉल में चल रहा था घमासान युद्ध। ऊपर में बग्गी लेके जा रहा है, डासी लेके भाग रहा है, वीर बंदे
हर तरफ बंदे भाई, चर्च में बंदे, पीछे लेफ्ट वाले घर में बंदे, पोचिंकी में बंदे, राइट रिकॉल में बंदे, सामने यहाँ पे बेंटली वाले का पीछा करते आए हम। भाई शॉर्ट गन खाली कर दी इसने, पूरी गाड़ी फाड़ दी और किल भी चोरी हो गया मेरा। सामने क्या बंदे मार रहे हैं भाई, पूरे के पूरे एक दूसरे को तो कोई मार ही नहीं रहा, हम ही पे सबकी नजर है फिलहाल। यहाँ पे ये बंदे को नॉक किया, इसका किल हो गया, हमारा चोरी। सामने स्क्वाड हाउस, रिकॉल स्क्वाड हाउस वाले बंदे को डैमेज किया। अब यहाँ से हम भाई प्लान बना रहे हैं कि हम जाएं कहाँ, यहाँ रिकॉल वालों पे जाएं या फिर पोचिंकी पे जाएं। तो फिलहाल के लिए हमारे पे गाड़ी फट चुकी थी तो हमने यहाँ भाई की बेंटली उठाई और यहाँ पे निकल के जा ही रहे थे कि सामने के साइड भाई फायरिंग चालू हुई, बंदे आपस में लड़ने लगे भाई, धूम धड़ाका चालू हो चुका है, रिकॉल होके बंदे गिर रहे हैं, एग्जिट होके बंदे गिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो हम भी यहाँ भाई सस्ती मस्ती करने के लिए आए, लेकिन मेरे साथ होने वाला गंदा वाला सीन, सस्ती मस्ती के चक्कर में मेरी हस्ती उजाड़ने वाली है अब। भाई मैं उस बंदे को मार रहा था और किसी और ने मेरे को P90 से ठोक दिया, स्पाइडर बोला कवर देना और जैसे ही यहाँ पे रिवाइव हुआ मैं बोला भाई यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो, पीछे से अगर कोई अलग टीम आ गई या फिर सामने वालों ने ग्रेनेड ठोक दिया तो हमारा तो भाई वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा और रिकॉल भी हमारे पास नहीं है भाई, खत्म हो चुका है। वो बंदे भाई इतने खतरनाक प्लेयर यहाँ भी मार रहे हैं इतना दूर तक, पूरा ट्राई हार्ड कर रहे हैं। हम जैसे तैसे करके बच बचा के वहां से निकल के इधर साइड आए, हील वगैरह किया हमने, तभी गाड़ी लेके हम निकल के जा रहे थे, पीछे साइड उड़न खटोला का साउंड आया। ये बिल जहर भाई की यहाँ पे करी हमने ठुकाई, ये आए हमको भाई साहब लूट वगैरह देने के लिए। अब यहाँ पे मैं लूट वगैरह कर रहा था तभी विक्की ने कॉल दिया कि पीछे हिल पे आई थिंक तो गाड़ी आ गई भैया। मैं यहाँ पे उड़न खटोला लेके निकला अपना, मेरी कारपेट है। अब यहाँ पे हिल पे मुझे बंदे स्पॉट हुए और तभी सामने एक गाड़ी भी स्पॉट हुई। इसकी भैंस का सहजादा मारू, सहजादी दीदी ने यहाँ पे लेफ्ट साइड से मुझे नॉक कर दिया। सामने वाले एक बंदे को मैंने डैमेज किया, मैंने बोला भाई विक्की को अंदर आजा, अंदर आके रिवाइव कर दे, कोई और आ जाएगा यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा। और उसी टाइम पे पीछे साइड आ भी गया कोई, यहाँ पे और आ गए भाई उड़न खटोले, हम ही पे सब बंदे रस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। राइट साइड से एक और गाड़ी का साउंड आया, सामने वाले घर से एक और बंदे की फुटसाइ, हिल के साइड वाला बंदा फुल ठुकाई किए जा रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे आया भैया लेफ्ट साइड से फुटसाइ, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, देखा तो ये फर्स्ट एड लपेट रहा था बगल में बैठ के। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन ने बताया कि पीछे एक कारपेट वाला बंदा था जो पेड़ के पीछे लेटा पड़ा, उसको मारने को तो उसको नॉक किया, पीछे वाला बंदा जिसको घर के अंदर नॉक किया था उसको फिनिश किया और पीछे वाला किल हो गया चोरी। तो सामने के साइड मैंने भी एक किल कर लिया चोरी, सब भाई एक दूसरे का चोरी कर रहे हैं भाई, सब एक दूसरे के कच्चे फाड़ रहे हैं, कोई अपना कच्चा नहीं फाड़ रहा है। अब हमें यहाँ पे जोन के अंदर भी जाना था, बंदों की ठुकाई भी करनी थी, दोनों साइड से बंदे घेर के रखे हुए थे। सामने एक बंदा स्पॉट हुआ पेड़ के पीछे, मैं यहाँ धीरे से चुपके चुपके चोरी चोरी लेफ्ट साइड फ्लैंक करता हूँ, बंदा स्पॉट हुआ, नाम पढ़ो भाई क्या है इसका। और भाई पीछे से सहजादी ने विक्की का सहजादा निकाल दिया, छोटे वाले घर में बैठा
सामने साइड से गाड़ी का साउंड आया, मैंने स्पाइडर को बोला उसके स्मोक वगैरह कर दे, कवर फायर दे, मैं इसका सामने वाले का ठुकाई करके आ रहा हूँ, लेकिन वो भाई कवर से बाहर नहीं आ रहा था। तब तक यहाँ स्पाइडर मैन ने विक्की को रिवाइव कर दिया। थैंक यू। अब मैं उसको गया फिनिश करके आया। यहाँ पे एक बग्घी हमारे पास से निकली। डेंजर अहेड। आगे। कहाँ पे? नाइस, एक और होगा। अटैक द मार्क। बग्घी गिरा के एक बंदे को नॉक किया और ये सहजादी दीदी वहीं पे बच गई। ये आई थिंक सो उसी सहजादी का सहजादा था। अब यहाँ पे जोन बन चुका था, हमको जोन के अंदर भी जाना था, तो मैं पीछे की साइड स्मोक करके पेटी लूटने जाता हूँ। अपने टीममेट्स को बोलता हूँ भाई वो सहजादी के सहजादे की पेटी बना देना, तब तक तुम लोग। अब उसके बाद हम यहाँ जोन के अंदर जाते हैं उड़न खटोला लेके, और ले भैया यहाँ तो भाई नीचे ऊपर ले भैया ले पूरा भाई उड़न खटोला रेसिंग चल रही। राइट में उड़न खटोला, लेफ्ट में उड़न खटोला, सब जगह उड़न खटोला, और हमारा फ्यूल हो गया खत्म। ये वाले घर जोन में ही थे तो मैं डायरेक्ट इन्हीं घर की छत पे गया, लेकिन वो तब तक उड़न खटोले वाले बंदे निकल के जोन चले गए। और सामने यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हुआ लेटा हुआ। बेचारा अपनी जान बचाने के लिए चुपके चुपके चोरी चोरी लेटा हुआ था, लेकिन इसके कच्चे फाड़ दिए मैंने। और भाई MK14 और ये वाला फ्लेम रैथ और ये हेलमेट का स्किन, क्या ही कॉम्बो लग रहा है भाई। क्या ही लॉबी आई थी लिटरली BGMI के अंदर, इतनी खतरनाक लॉबी, मजा आ गया भाई खेल के। और गेम इतना लैग कर रहा है भाई, पिंग तो है ही जो है, गेम इतना लैग कर रहा है, फंस रहा है जो, एकदम फ्रेम तो खत्म ही हो जा रहे हैं भाई, 0 FPS हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम जा रहे थे जोन के अंदर, उसी टाइम पे स्पाइडर मैन ने अपनी खुजली हाथों की मिटा ली, AMR चिपका ली। यहाँ पे जैसे आए पेड़ के पास एक बंदा स्पॉट हुआ, इसने मारा सामने एक बंदे को, नॉक किया, और नॉक करके उसको फिनिश करने के चक्कर में अब इसके कच्चे फटने वाले हैं। लोकेशन मार्क्ड। देख रहा है भाई? हाँ। क्लोजिंग कर रहे हो थोड़ा थोड़ा। मैं गया पहले भाई, मैं बोला तुम्हारे कच्चे फाड़ देता हूँ मैं इसकी भैंस की। लो एक और बंदा नॉक, स्पाइडर यहाँ पे नॉक। ग्रोजा वाले ने भाई मेरे को यहाँ पे 70 HP भाई खत्म कर दी, 30 HP बचा। नॉक को फिनिश किया सबसे पहले तो, और भाई यहाँ पे विक्की नॉक हो गया। उड़न खटोले के चक्कर में विक्की नॉक, और यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे घमासान वाला युद्ध चल रहा है विक्की और स्पाइडर मैन के बीच में। एक दूसरे को जबरदस्त गाली गलौज दी जा रही है, तूने कारपेट लगाया, उधर से बंदे ने कच्चा फाड़ डाला, और भाई पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी। सेंसर बोर्ड के द्वारा अप्रूव नहीं है तो वो चीज मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ, नहीं तो येलो डॉलर आ जाएगा हमारी वीडियो पे। नहीं है अब यहाँ। मैंने अपने टीममेट से बोला कि भाई थोड़ा बहुत मेरे को लूट वगैरह दे दो, ग्रेनेड मॉली स्मोक वगैरह दे दो, तुमको तो यूज कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए। मुझे पता था वहां रस हो सकता है, तो मैं जल्दी से भाग के नीचे आया डाउन रिज पे। और भाई ये कहाँ बैठा हुआ है, इसको डैमेज किया, और उसी टाइम पे विक्की फिर से नॉक हो गया। मैं बोला यार तुमको बोला मैंने कि उधर से निकल जाओ, वहां पे भाई होगा रस, पूरी पूरे जोन के अंदर सिर्फ एक ही वही है घर बस, और ऊपर सब बंदों को पता है हमारी पोजीशन। विक्की नॉक पड़ा था, मुझे लगा था स्पाइडर उसको बचा लेगा, तब तक मैं रोटेशन देखिए सामने वाले बंदे की ठुकाई कर देता हूँ, लेकिन 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 उन पे कर दिया भाई बंदों ने रस। विक्की ने कॉल दिया कि भैया बंदे आ गए, यहां मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, आत्मा की आत्मा निकाल ली मैंने, और यहाँ पे भैया स्पाइडर मैन भी नॉक। बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी। डेंजर है। सेक्सी टच। ये कह रहे हैं वापस आ रहे हैं। ये पूरी स्क्वाड खत्म, और यहाँ पे विक्की के भी कच्चे फट गए, पाद मार दिया विक्की ने फटे हुए कच्चों से। अब यहाँ पे भाई साहब मैंने विक्की बोला हिल क्यों रहा था, ज्यादा HP जाती है अब, तो उसने बोला कि भैया चौथा पांचवा नॉक था मेरे तो, ऐसे भी भाई निकलने वाला था फटे हुए कच्चों से। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आखिरी बंदा यही वाला बचा हुआ था, वो भाई इतना ढीठ बंदा है, मतलब कि ये यहां से हिला नहीं, पूरा एम करके बैठा हुआ था। हम उड़न खटोला लेके पहुंचे यहाँ पे, और इसके पास भाई ग्रोजा थी, ये बस चाह रहा था कि इस पे हम लोग रस कर दें और ये हमारी ठुकाई कर दे, लेकिन हमने कहा कि भैया तेरे को तो नचा नचा के मारेंगे। डांसिंग रेट किया, नाचे नहीं, मैंने एक और डांसिंग रेट किया।
उसके बाद मैंने कहा एक और ले, और यहाँ पे फाइनली लगा डांसिंग नेट। और चल भाई नाच बसंती, डांस बसंती, चल। इसकी भैंस की तंगड़ी तोड़ू। मेरे को लगा भाई कि कुछ अलग तरीके से मारूंगा इसको, लेकिन ये भाई डांसिंग ग्रेनेड खत्म हो गया, बाहर आ गया था ग्रोजा लेके और गोटे मेरे मुंह में आ गए थे, तभी मैंने M4 निकाली और इसकी पेटी बना डाली। तो आज का गेम प्ले आप लोग कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट्स बताना, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लेना ऑल बेजेड। और भैया फ्लेम रेस सेट MK14 और ये हेलमेट का स्किन आपको कॉम्बो में कैसा लगा और आज की लॉबी कैसी लगी, मिलते हैं एक और नए कमाल के वीडियो में। टेलर सन आया था वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।